नमस्कार। देवभूमि ऋषिकेश में आज एक खास प्रयोजन के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीर से हुए कश्मीर पंडितों के पलायन को बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। उसी को लेकर के आज एक ग्रुप ने यहाँ पर पूरे हॉल के अंदर सारी टिकट्स को बुक करके बहुत सारे ऋषिकेश के जनमानस को एक साथ मूवी दिखाने का प्लान किया है। इसी कार्यक्रम के संबंध में मेरे साथ हैं भास्कर जी। स्वागत है सर आपका। सर क्या प्रयोजन है आजकल, क्या आपका प्रयोजन जी? कश्मीरी फाइल्स को लेके समग्र विश्व में, खासकर जो हिंदू समुदाय में आप देख रहे हैं क्या एक जन आक्रोश चला है, तो उसको देख के हमारे मन में भी एक हम उत्तराखंड निवासी हैं, गत 23 वर्षों से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो वो जो आक्रोश जो दुनिया में सोशल मीडिया में जो दिख रहा है और उसके विरोध में भी जो चल रहा है, तो हमें लगा कि हम भी एक उसके हिस्से हैं और कभी किसी से घटा हुआ है वो भी हमारे हिस्से हिंदू समुदाय के हिस्से रहे हैं, तो हमें लगा कि उत्तराखंड में वो जोश नहीं दिख रहा, खासकर ऋषिकेश में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें लगा कि भाई किसी और की प्रतीक्षा करने से अच्छा है हम क्यों ना इसका बीड़ा उठाएं और हम लोगों को जोड़े और मूवी के लिए लोगों को प्रेरित करें, ताकि लोग इससे प्रेरित हों कि भाई ये चीज़ जो हुई है कश्मीर में उत्तराखंड में कभी ना हो। जहाँ तक मूवी की बात करें, कश्मीर फाइल्स की बात करें, एक इंसिडेंट हुआ था जो 1991 में, तो सालों बाद किसी ने उसकी सुध ली है और लगभग मैं कहूँ तो 3 दशक के आसपास इसको हुए गुजर चुके हैं। क्या लगता है आपको, इतना लंबा समय होना और अचानक से फिर इस तरह का चीज़ों को निकल के आना? देखिए, एक तो मुख्य कारण तो मोदी जी को उसका श्रेय देना ही चाहिए, ये तो हम जानते हैं। 70 साल के प्रोपेगेंडा में कई कुछ सच्चाई छुपाई गई, शास्त्री जी के उससे लेकर बोस जी के उसको लेकर, तो ये भी उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा था कि जहाँ कश्मीरी पंडितों से ऐसा नरसंहार हुआ और उसको छुपाया गया, तो ये मोदी जी का ही एक है कि नेतृत्व की जो कुशलता है, इसी कारण ये सब चीज़ें एक एक करके निकल के सामने आ रही है। आपको लगता है कि मूवी का लोगों के ऊपर या उनके मानस पटल पे एक लंबा एक इम्पैक्ट उसका पड़ेगा और लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर होंगे, और इसमें क्या आप किस तरह से इसको एक चेंज के बतौर या फ्यूचर के लिए जो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होकर के एक चेंज सोच रहे हैं, उस चेंज के बतौर कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि जो इस चीज़ को ये चीज़ एक मैसेज जो मैं देखता हूँ कि जो मैसेज देता है कि हम हिंदू जो समुदाय है वो जागरूकता के लिए, डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, और जो कश्मीरी पंडितों के साथ में जो घटना हुई वो दिखाती है कि एक लैप्स है अवेयरनेस का और जागृति की, जिस कारण ये लैप्स हो गया, जिसमें वो चेत नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और वो चीज़ हम उसको भी सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। और ये जो मूवी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फैक्ट है कि इसमें तथ्यों के साथ इसकी जो है पिक्चराइजेशन पूरा हुआ है, तो इससे लोगों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं कि कोई फिक्शन मूवी नहीं है, ये फैक्ट। और उसमें काफ़ी ऐसी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो और भी जो दुर्धंश जो चीज़ें हुई है उसको बहुत सटल तरीके से दिखाया गया, तो मतलब इससे भी विपरीत स्थितियों में भी लोग रहे हैं जिसको उनको हत्या की गई, तो लोग इससे बिल्कुल जो पिक्चराइजेशन के द्वारा जो भी चीज़ दिखाई जाती है आप जानते हैं वो बिल्कुल जन मनस में जो है बैठ जाती है, लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट रखती है, लेकिन उसको आगे कैसे ले दिया जाए ताकि ये चीज़ें ना हो और लोग उसको बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करें और वो सचेत हो जाए। 30 सालों का जो बीच में एक गैप रहा है इंसिडेंट से लेकर के और इस तरह के अवेयरनेस को आने तक, क्या लगता है आपको क्या चीज़ें ऐसी बीच में रही जिनकी वजह से ये पूरा एकदम सन्नाटे में रही है सारी चीज़ें? देखिए, एक तो यह है कि पूरे विश्व में आप जानते हैं एक लेफ्टिस्ट लॉबी जो कम्युनिज्म के नाम पे चल रही है, भारत को हमेशा उसकी पोटेंशियल को जानते हुए उसको पीछे रखने का एक प्रोपेगेंडा चलता आ रहा है, उसमें विदेशी तत्व भी हैं और उसमें और भी कई तत्व जो भारत में हम देखते ही हैं, खासकर पॉलिटिकल जो है रूलिंग पार्टी जो 70 ईयर्स की थी वो एक क्रिश्चियनाइज और अन्य जो धर्म के लोग हैं उनके प्रोपेगेंडा को लेकर चली है, कभी हिंदुत्व को उस तरह से उन्होंने कभी रखा ही नहीं आगे, जहाँ भी उनको मिला उसे यूज़ तो किया लेकिन उसको कभी उन्होंने क्रेडिट देने का या उसके जो जस्टिफिकेशन के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं, तो ये बिल्कुल एक क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि इतने साल का जो लैप्स था उसको शॉर्ट टाइम में कम से कम ला के उस जस्टिफिकेशन तक वो लेके चले गए। सम्यप्राश, राइट? सम्यप्राश। सम्यप्राश संस्था क्या है और उसने किस तरह से इसका इसके बारे में ये हालांकि जो ट्रस्ट का नाम है वो श्री शारदाम्बा विद्यापीठ ट्रस्ट है और इसके अंदर जो हमने एक ब्रांड जो स्थापित किया है वो सम्यप्राश जो नाम है, इसका जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो है ज्ञान का जो उद्भव स्रोत, और ये जो नेम है ये एक संस्कृत नेम है और के अपने बद्रीनाथ में जो महर्षि व्यास जी थे उनके जो आश्रम का नाम सम्यप्राश था उसी के नाम को हमने रखा, क्योंकि हम देवभूमि में रह रहे हैं और महर्षि व्यास तो सबको ज्ञान बांटे हैं, तो उस तरह से हमारी संस्था वो जो भी चीज़ छुपी हुई है जो जहाँ हमको ज्ञान का संचय करना है, लोगों को अवेयरनेस लाना है, वो काम ये संस्था करेगी। ये सिर्फ संस्था इस चीज़ को जो आज के इवेंट है उसको लेकर के सिर्फ सम्यप्राश जो संस्था है वही इन्वॉल्व है या कुछ और लोग भी इसको
बैक कर रहे हैं या मतलब बिल्कुल 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 इस संस्था का इसमें जो और भी जो कड़ियाँ हैं उसमें कुछ संघ के भी लोग हैं, संस्कृत शिक्षा के कुछ लोग जुड़े हुए हैं और ये क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत शिक्षा के आसपास ही हम लोग हैं और महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं और स्कूली बच्ची की महिला, तो सब जुड़ के हम लोग एक और क्या क्या आपकी प्लानिंग है आज के प्रोग्राम को लेकर? बस एक रैली हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है जिसमें सभी लोग जुड़ेंगे और हम लोग यहाँ से एक मार्च करते हुए सीधा सिनेमा हॉल तक जाएंगे क्योंकि मूवी ऑफकोर्स इम्पैक्टफुल होने वाली है लेकिन ये एक मैसेज जो सिटी में जाना चाहिए, अगर हम रैली नहीं करते तो इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला है। तो ये रैली के द्वारा एक संदेश है कि हम लोग जागरूक हैं, हम लोग एकजुट हैं और ये चीज़ हम लोग बिल्कुल आगे मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो हिंदू समुदाय है वो प्राथमिक है और हमारे जो काम है हमारे समुदाय को पहले जाना चाहिए, बाकी समुदाय को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, भी NRIs हैं जिस प्रकार से हमारे देश के लिए वो बहुत चिंता करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, मेरे ऋषिकेश और इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी उनके मन में बहुत भाव है, बहुत श्रद्धा है, वो हमारे लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे NRIs मेरे देश के लिए सोचते हैं, मेरे उत्तराखंड के लिए सोचते हैं, हम तो देवभूमि के लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए विशेषकर ऋषिकेश के लिए कुछ करें क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूर करें। कश्मीर फाइल्स को लेकर के एक जोश लोगों के अंदर है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम भीड़ ऋषिकेश की और ये लोग जा रहे हैं द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए। एक गजब का उत्साह है लोगों के अंदर, एक गजब की पीड़ा है लोगों के अंदर और ये लोग एक तरह से इस मूवी को प्रमोट करते हुए, इस मूवी के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए आह्वान कर रहे हैं और आज रामा पैलेस ऋषिकेश में ये भीड़ एक साथ कश्मीर फाइल्स को देखने वाली है। महसूस किया जा रहा है कि ये मूवीज लोगों के लिए सिर्फ मूवी नहीं उनकी भावनाओं का एक प्रतीक है। जिस हिसाब से ये लगातार बढ़ती हुई भीड़ हम पूरे रास्ते पर देखते हुए आए हैं, ये पूरी भीड़ ने एक रैली के रूप में पूरे शहर के बीच से होकर के आई और एक बड़े ही आकर्षक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, लोगों को जागरूक किया। ऋषिकेश रामा पैलेस पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और अभी शाम के 6:15 बज चुके हैं, लगभग आधा घंटे का समय है शो के शुरू होने में और मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे। जो भीड़ आपको ये बता रही है कि द कश्मीर फाइल्स के बारे में जो लोगों की भावनाओं का ज्वार है वो किस तरह से बहता जा रहा है, लोग इतने उतावले हैं इस मूवी को देखने के लिए, पूरा शो जो है वो बुक्ड है और लगभग शो शुरू होने का आधा घंटा पहले, अभी पिछले वाला शो ख़त्म भी नहीं हुआ है और यहाँ पे खचाखच भीड़ है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीट यहाँ पर खाली स्पेयर गई है इस बार। आपने कहा कि आप सेना में रहे हैं और उस जगह पे पोस्टेड रहे हैं, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो कि वहाँ पे इस तरह का माहौल आपने देखा या आपने एक्सपीरियंस? मैंने हम तो एक्चुअल में ऐसा है कि हम भारत है ऐसे तरफ माहौल देखा कि उन लोगों की हम लोगों ने हेल्प भी की कि उस चीज़ में देखते थे, पर हम एक नियम कानून के अंतर्गत रहते थे, डायरेक्ट हम कुछ कर नहीं सकते थे कि वहाँ का जो एक्ट था JNK का जो अभी क्या बताएं जो कुछ 370 300 उसके चीज़ में आर्मी डायरेक्ट इंटरफियर नहीं होती थी, वहाँ पुलिस और उनके काफ़ी वो लग रहते थे। कश्मीर फाइल्स को आज ऋषिकेश रामा पैलेस पे एक बार फिर जो
उसको यहाँ पर रिस्पांस मिला है, ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। हमारे साथ में इस समय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय विधायक साहब मौजूद हैं। सर, क्या रिस्पांस है आपका, क्विक एक रिस्पांस? देखिए, जिस प्रकार से इस पिक्चर के अंदर वास्तविकता दिखाई गई, और मैं तो यही कह सकता हूँ कि 32 साल बाद जनता को और हम जैसे लोगों को भी पता चला कि उस समय हिंदू पंडितों पर कितने अत्याचार हुए। द कश्मीर फाइल्स का शो अभी फिनिश हुआ है और हमारे साथ एक बार फिर बात करने के लिए महाराज जी यहाँ पे हैं। महाराज जी, क्या फीडबैक है मूवी देखने के बाद आपका? इस चलचित्र को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बहुत समय से कई पीढ़ियां अंधेरे में रही हैं और एक वास्तविक तथ्य सामने आया है जिसको देख करके हृदय फटता है, मन फटता है। अब हम लोग सनातनी ही अपने मन को विकृत नहीं होने देते हैं, ये बात तथ्य है। लेकिन ये बात अवश्य है कि आगे सचेतनता हम सब में जगेगी और इसके लोग करके अधिक से अधिक लोग इसको देखें, और देखें ही नहीं, इसको एक थिएटर जैसा, मनोरंजन जैसे नहीं देखें, महसूस करें। मैंने थिएटर में देखा है कि कुछ लोग पूरे थिएटर में जा कर के पूरे चलचित्र के बीच में थोड़ा सा उठा पटक का दृश्य आता है, उसमें जो हंसी आती है लोगों को, ये नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। और यदि हिंदू सनातनी भारतीय लोग अभी भी नहीं सचेत हैं तो आगे का भविष्य बिल्कुल बहुत खराब है, बहुत खराब है। जैसे कि मूवी के रिव्यूज़ में हम लोग देख पा रहे हैं या लोगों के फीडबैक्स में देख पा रहे हैं कि बहुत सारा उत्साह लोगों का इस मूवी के लिए था, बहुत सारा जुड़ाव लोगों का मूवी की तरफ है। मेरे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं, कुछ फीमेल्स हैं जो अभी मूवी देखकर बाहर निकली हैं। इनसे जानते हैं इनके फीडबैक के बारे में। क्या रहा मैम, क्या लगा कश्मीर फाइल्स को देखकर कर क्या सोचना? तो सोच तो पा ही नहीं रहे हैं हम, ये सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी हुआ है जो हमें पता ही नहीं है। थैंक्स टू विवेक सर जिन्होंने ये मूवी बनाई है। एक्चुअली मूवी कहना तो गलत होगा, रियलिटी है वो, जिसको देखकर दिमाग सन्न है कि मतलब ऐसा लोगों ने झेला है और वो अभी उस दर्द को महसूस करते हैं अभी भी। और बस थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें रियलिटी दिखाने की कोशिश की। एक घटना जो लगभग 3 दशक पहले हुई, अगर हम लोग बात करें, इतना लंबा समय लगा उसको कि मतलब लोगों तक एक जागरूकता के माध्यम या जागरूक किया जाए लोगों को किसी भी माध्यम से, आपको नहीं लगता बहुत डिले हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिले है। डिले तो खैर इसके हिसाब से छोटा वर्ड होगा मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी बात है कि जो हमने सेक्युलर कंट्री बना दिया है ना स्टेट, अपने कंट्री को, तो हम सेक्युलर तो हैं मगर वो सिर्फ सेक्युलर हम हिंदुओं के लिए, वो सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं पे थोपा जाता है, क्यों ऐसा? और हिंदू ही भुगतता है। इस फिल्म में रियलिटी दिखाई गई है और जिससे हम अवेयर नहीं थे। और मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि स्पेशली गर्ल्स को तो ये मैसेज जरूर, ये जरूर फिल्म देखनी चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि हम डर गए, हमें ये फिल्म ऐसे हम खून नहीं देख सकते, वो कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। हम अपने ही लोगों को जो हमारे साथ हुआ है हम उनको देख के ये नहीं सीख सकते कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये आज कश्मीर फाइल बनी है, कल उत्तराखंड फाइल बनेगी, कल बॉम्बे फाइल बनेगी। हमारी बच्चियों को ये देखना चाहिए कि जो लव जिहादों में पड़ रही है कि भाई हिंदू में भी पुरुष हैं, वहाँ पर भी आप दिमाग लगाओ, सोच समझ के दिमाग लगाओ, सेक्युलर के नाम पर अपने आप को तबाह मत करो। यही सीख मिल रही है हमें। इसलिए मैंने कोशिश, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके बच्चियां देखें इस फिल्म को, जितना हो सके। यहाँ पे अभी जो भी शंप्राश शंभ्यप्राश का जो एक इनिशिएटिव था इसको लेकर के मूवीज को दिखाने का, उसके बारे में लाइक आप अगर कुछ? वही मेरा मेन पर्पस है कि बच्चे जो सेक्युलर के नाम पे, सो कॉल्ड सेक्युलर के नाम पे हमारी संस्कृति को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब भूलना तो बहुत दूर की बात, रूट ही खत्म हो रहा है। आज ये जनरेशन अगर हम अवेयर नहीं होंगे और हम आने वाली जनरेशन क्या सिखाएंगे? तो हमारा मेन पर्पस है कि अपनी संस्कृति, अपने कल्चर्स, अपने हिंदुत्व को मत छोड़ो। आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म में यूथ के अंदर एक डिस्कशन में इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है हमारा, उसको डिस्कशन में ले आएगी? बिल्कुल, डिबेट होनी चाहिए तभी रियलिटी बाहर आएगी, हिस्ट्री उखड़ के आएगी। ये हिस्ट्री उखड़ के आई है डिबेट की वजह से। विवेक अग्निहोत्री जी अगर ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं डिबेट हुआ है तभी ये लोग आए बाहर। तो ऑफकोर्स डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तभी चीज़ें बाहर आएंगी। बहुत सारे आंदोलन, जैसे अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें स्पेशली, ये एक स्टेट ही ऐसा है जो आंदोलन से निकला है, ठीक है? और अगर हम लोग स्टोरीज की बात करें तो उस आंदोलन के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में भी हुई हैं। आप लोग चाहते हैं
कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग या इस तरह की डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड के बारे में भी है जो उस दर्द को दिखाए जो आज तक? मुझे याद है जब मैं बहुत आई थिंक हम 10th या 11th में थे तो हमने श्रीधर सुमन जी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो बिल्कुल बननी चाहिए और हमें पता बच्चों को पता भी चलना चाहिए कि आप जो ये फ्री इंडिया में जी रहे हो, सो कॉल्ड इंडिया जो बोल रहे हो आप, आज कुछ भी नेटफ्लिक्स कुछ भी देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों ने बलिदान दिया है तब आप इसको आराम से जी पा रहे हो। डॉक्यूमेंट्री जो अधिकतर आती है वो डॉक्यूमेंट्रीज एक्चुअली क्या होती है कि एक पर्टिकुलर किसी एक फिल्म फेस्टिवल तक या किसी रिस्ट्रिक्टेड एक प्लेटफॉर्म तक रह जाती हैं, इतने बड़े पर्दे पर निकाल के लेके आना ये आपको लगता है कि एक बड़ी जीत है कि हाँ इस तरह की? बहुत बड़ी जीत है, भारत की जीत है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी कहूंगी जो उस कुर्सी पर बैठे हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए ये चार दोस्त बाद में कह रहे हैं कि आप उस कुर्सी पर थे आपने क्या किया, तो आप उस कुर्सी पर बैठे हैं आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ना जोड़िए, किसी मूवमेंट से ना जोड़िए, आप जिस ओहदे पर बैठे हैं वहाँ पर सिर्फ मानवता के लिए, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चों की परवरिश में, महिलाएं बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती हैं और बच्चों को अपनी एजुकेशन में ऐसा कुछ जानने को मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब उन्हें हर एक चीज जगह जगह जाके ढूंढनी पड़ रही है, ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, उस पोजिशन में बैठे लोगों की होती है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और लोग जागरूक सराहनीय है, सराहनीय है, ऐसा आगे होता रहे ताकि जो बीच बीच में सो जाते हैं जो लोग वो जागते रहे। लड़ाई जो है मुस्लिम से ईसाई से और इन लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई अपने लोगों से है, आप कब खड़े होंगे अपने लिए, वो हिंदू धर्म का क्या होगा, हम हिंदू धर्म पालन नहीं करना चाहते, आपने फिल्म में देखा ब्रेन वॉश का जो एक सेगमेंट है वो इसलिए है मुस्लिम एक कन्विक्शन के साथ में कि उसने अपने धर्म को फॉलो किया है भले ब्लाइंडली, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को पता ही नहीं हमारा धर्म है क्या, जब तक अपने धर्म को आप फॉलो नहीं करेंगे अपनी माँ को आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे पड़ोसी रेस्पेक्ट कभी नहीं करने वाला है, तो ये बहुत फैक्चुअल है कि यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर ओन कल्चर फर्स्ट, आप उसको फॉलो करिए गौरव करिए तब ये बचेगा और आप खुद बचेंगे नहीं तो कोई बचा नहीं। सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे फ्रॉम कश्मीर फाइल्स एंड विद कैमरामैन आशु शर्मा, आई एम संजय सुलसवाल फॉर बालाजी लाइव टीवी, थैंक यू।